नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। घर से कुछ सामान अगर हम बाहर निकाल देते हैं, अब कौन सा सामान निकाल देते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं अगर हम अपने घर से बाहर निकाल देते हैं तो हम बड़े सुकून से रहते हैं, धन की कमी दूर हो जाती है, उस घर से लड़ाइयां दूर हो जाती हैं, झगड़े क्लेश सब दूर हो जाता है भाई, इस घर में लोगों को सफलता नहीं मिलती वो सब दूर हो जाता है। आपने कई बार देखा होगा एक घर में बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनकी शादियां नहीं होती और सबकी नहीं हो रही होती, ये भी दूर हो जाता है, दोष है, ये भी कहीं ना कहीं दोष होता है, ध्यान रखिएगा। अब ये दोष को कैसे खत्म किया जाए, एक जनरली कुछ उपाय जो हम बताते हैं आपको, उन्हें जरूर किया करो। अब सबसे पहली बात आती है कि बहुत सारे लोगों को ना बहुत सामान इकट्ठा करने की आदत होती है और नया सामान खरीद लेते हैं, पुराना दबा के नीचे रख देते हैं, वो सड़ जाता है, जंग लग जाती है, कभी उसकी जरूरत नहीं पड़ती, किसी को नहीं देंगे, खुद भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, खराब कर देंगे पूरी तरह से, बटर रखेंगे। जंग लगा हुआ सामान, पूरा ऊपर से काई जमा हुआ सामान। अब वो सामान कई तरीके का होता है, खास करके किचन के अंदर बहुत ज्यादा लोग रखते हैं, किचन में नई 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 चीजें रखे, पुराना पीछे पीछे करके दबा करके रख देते हैं। ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा क्लेश का सामना करना पड़ता है, बहुत ज्यादा बीमारियां भी होती हैं, स्ट्रेस भी होते हैं, झगड़े भी होते हैं, और रोटी खाते हुए खाना खाते हुए ऐसे लोगों की लड़ाइयां झगड़े ज्यादा होते हैं, यानी लड़ाई झगड़े का जो टाइम होता है ना, वो खाने बैठेंगे प्लेटें तोड़ देंगे आपस में, वो क्लेश है, वो कुछ तो कुछ क्रिएट होगा ही होगा, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे आकर के क्रिएट जरूर होती है। तो सबसे पहले छुट्टी वाले दिन थोड़ा सा ध्यान कीजिए, अगर ऐसी चीजें आपके पास हैं, अगर आपको लगता है कि वो यूजफुल कंडीशन में है, यूज कर सकता है कोई, तो किसी को दे दीजिए, सहयोग कर दीजिए किसी दूसरे का, आपके वो जरूरत नहीं आ रहा है, वो किसी काम का नहीं है, बट किसी और के लिए वो बहुत बड़ी जरूरत बन सकता है। तो ये कार्य आप जरूर कीजिए अगर आपने अपने घर से कष्ट दूर करना है। ज्यादातर लोगों के घर में डस्टबिन जो होता है, कचरे का डिब्बा जिसे हम कहते हैं, वो डिब्बा ज्यादातर तो उनका कचरे के साथ भरा ही होता है, उसे क्लीन कर देते हैं, बट डिब्बे को क्लीन नहीं करते, उसके ऊपर एक और कुछ ऐसा सोर्स लगा देते हैं जिसमें आप कचरा फेंकते हैं, बट वो नीचे की क्लीनिंग जरूरी है, यानी इन्फेक्शन निकालिए उस जो आपको परेशान कर रही है, ऊपर 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 तो आप कर रहे हैं सफाई, लेकिन बीच में नीचे एग्जैक्टली जो गंद पड़ा है उसके क्लीन कीजिए, ये जरूर करिए, इसके ऊपर ध्यान रखिएगा। ऐसे लोगों के घर में धन नहीं आता, आएगा तो टिकता ही नहीं है, चाहे कोई भी ऐसे, और खास करके ऐसे लोगों का धन बीमारियों में ज्यादा निकलता है, ये बहुत तकलीफदायक होता है कि बीमारियों से घर में घर कट जाती है, निकलती नहीं है। तो कचरे का डिब्बा जो है सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, पूरा अच्छे से क्लीन कीजिएगा, अच्छे से साफ कीजिए, ताकि आपके घर में बीमारियां ना आए, आपके घर में सुख सुविधाएं आए। बहुत सारे लोग हैं सफाइयां करते हैं, बहुत अच्छे से सफाइयां, देखिएगा चकाचक उनका घर बड़ा साफ सुथरा लगता है, लेकिन कभी उनके कॉर्नर से जाकर के देख लीजिए, सोफे के नीचे देखिए, बेड के नीचे देखिए, क्लटर कूड़ा इकट्ठा होता है, झाड़ू लगाएंगे ना तो ऐसे लगेगा इतना सारा सारा यही कूड़ा यही पड़ा था, तो क्लीनिंग करनी है ना वहां कीजिए। कहते हैं हिडन प्लेसेस में अगर गंद भरा रह जाए, हिडन प्लेसेस में अगर कचरा कूड़ा गीला सूखा कोई भी भरा रह जाए, उस घर में तंत्र बाधा बड़ी जल्दी होता है, उस घर में नेगेटिव एनर्जीज बड़ी जल्दी आती है, उस घर में नजर दोष बहुत जल्दी लगता है, उस घर में परेशानियां बहुत ज्यादा आती है, और उस घर की महिलाएं खास करके बीमार रहती हैं। तो अगर आपको इससे छुटकारा पाना है, थोड़ा सा समय अपने घर की साफो सफाई पर भी लगाना है, अगर आप चाहते हैं बीमार ना हो तो आपको ये चीज तो करनी पड़ेगी ना, आप पूरा दिन रिलैक्स करेंगे गंद नहीं निकालेंगे तो फिर बीमार तो पड़ेंगे पड़ेंगे। तो ये चीजें ना, गंदगी का हमारे जीवन के साथ कंसर्न है, क्लीनिंग का हमारी सुरक्षित जीवन के साथ कंसर्न है, तो हमें सुरक्षित जीवन चाहिए, और उसके लिए अपने ग्रहों को भी, क्योंकि शनि खराब होता है,
आपके सारे ग्रह खराब होते हैं, आपका राहु खराब होता है जब आप गंदगी रखते हैं, जब आप इस तरीके की चीजें रखते हैं, टूटी फूटी गंदी खराब चीजें रखते हैं, तो आपके सारे ग्रह जो है वो खराब होते हैं। तो क्यों ना हम थोड़ा सा जो समय हमें मिले हम क्लीनिंग की तरफ लगाएं, ताकि हमारे सारे ग्रह जो है वो भी ठीक रहे, हमारे घर में सुखों के सोर्सेस जो है वो अच्छे से बने रहे। तो आपने ध्यान रखना है इन चीजों की तरफ कि ये चीजें आपके घर में ना हो, इस तरीके का गंध आपके घर में ना हो। एंट्रेंस खास कर गया, अब आपकी एंट्रेंस पे आते हैं, कहते हैं कि एंट्रेंस बड़ी खूबसूरत होनी चाहिए। हाँ जी, जो रंगोली बनाई जाती थी ना, हम लोग रंगोली बनाते हैं सिर्फ दीपावली के समय पे, या फिर कोई खास करके शुभ दिन होता है जो हमारे रिचुअल्सों में मनाया जाता है, अदरवाइज हम लोग रंगोली का नाम नहीं लेते। चलिए ठीक है, रंगोली नहीं बना रहे आपने दीपावली पे बनानी है तो दीपावली पे बना लीजिए, लेकिन साफ सुथरा दहलीज वो तो पार कर सकते हैं ना आप। अच्छी अच्छी दहलीज पार करनी है, जो रोज घर से बाहर निकलते हैं तरक्की के लिए और घर आते हैं आप सुकून के लिए। लेकिन अगर सोचिए कि मुख्य एंट्रेंस के ऊपर आपका कचरे का डिब्बा पड़ा हो, आपकी डस्ट पड़ी हो, आपकी गंदगी पड़ी हो, जूते बिखरे हुए पड़े हो, यानी हर वो चीज जो आपको इमीडिएट एक तरह की नेगेटिव हिट कर रही हो, तो वो सुकून कैसे देगी आपको? जब घर से बाहर निकलेंगे तो भी परेशानी देगी, यानी वो चीजें जब आप देखेंगे, ऐसी चीजों की एक फीलिंग लेकर के आप निकलेंगे, तो आपका पीछा तो करेगी वो एनर्जी, लेकिन सब आपको ये ध्यान ही नहीं है, दूसरे दिन आपको उसको क्लीन ही नहीं कराएंगे। बट वो आपको पता है, वो आपकी सफलता को रोक रही है, वो आपकी सारी एनर्जीज को ब्रेक कर रही है। लेकिन जब आप घर में आए तो भी ऐसी बिखरी हुई चीजें आपको दिख जाए, और तब आप ये चीजें पार करें, दहलीज पार करें, तो घर आकर के आप सुकून की कामना कैसे कर सकते हैं? इसीलिए आप जब घर आए या घर से बाहर जाए, दरवाजा मुख्य एंट्रेंस, अगर आपकी घर की मुख्य एंट्रेंस क्लटर से भरी हुई है तो उसे क्लीन करवाइए आप सबसे पहले, ताकि आप जब घर आए सुकून से रह सके, जब घर से बाहर जाए तो तरक्कियां पा सके। घर के अंदर यहां सामान फैला पड़ा है, वहां जूते फैले पड़े हैं, वहां कपड़े फैले पड़े, वहां कुछ और फैला पड़ा है, हर चीज आपकी अस्त व्यस्त है, तो आपको सुकून कहां मिले? जिस तरफ जाएंगे वहीं आपको सामान दिख रहा है, जिस तरफ जाएंगे वहीं आपको फैला हुआ सामान दिख रहा है। तो आप सोचिए आपकी मानसिक अवस्था बहुत खराब रहती है, ऐसे लोगों के परिवार के सदस्य चिड़चिड़े रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, क्रोध में रहते हैं, ऐसे परिवारों में लड़ाइयां ज्यादा होती हैं जिस घर में सामान ज्यादा बिखरा रहता है। तो सबसे पहले अपने सामान को समेटने का प्रयास कीजिए। जिस घर की किचन खराब रहती है, गंदी रहती है, क्लीनिंग नहीं होती है, खास करके कॉर्नर्स जहां आपने कचरे का डिब्बा रखा हो, गैस है उसके नीचे की जगह है, जहां आपने कुछ सामान रखा हो, बर्तन धोने की जगह है, ये चीजें को कॉर्नर्स अगर आपके गंदे हैं, उस घर के मुख्य व्यक्ति जो इनकम कमाने वाला व्यक्ति होगा वो हमेशा बीमार रहेगा, यानी जितना धन आप कमाएंगे बीमारियों पर निकल जाएगा। तो ध्यान रखिए, अगर आपके घर में ऐसी चीजें हैं, अगर आप सुख चाहते हैं, अगर आप समृद्धि चाहते हैं, धन चाहते हैं, अपनी शारीरिक शांति चाहते हैं, मानसिक शांति चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने घर को मेंटेन करना इस तरीके से सीखिए। इससे आपके ग्रह भी शांत होंगे, इससे आपके घर में खुशियां भी चल करके आएंगी। तो देखा आपने, वीडियो है तो बड़ी छोटी, बहुत बड़ी नहीं है, बट ये वो चीजें हैं जो हमारे घरों में रूटीन में होती हैं, लेकिन हम उपाय ढूंढने बाहर जाते हैं। उपाय आपके इर्द गिर्द ही है। इस बार इस वीडियो के माध्यम से आप अपने घर के ऑरा की क्लीनिंग कर सकते हैं, आप अपनी खुद की ऑरा की क्लीनिंग कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि दूसरों के चेहरे पर बड़ी शांति है, बड़ा ठहराव है, बड़ा तेज है, वो इसीलिए रहता है क्योंकि उनका सामना गंदगी के साथ नहीं होता है,
और जो गंदगी का सामना बार बार करते हैं उनकी नियत में भी कहीं ना कहीं गलत चीजें आना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे घर को भी साफ रखिए, आपकी नियत भी साफ रहेगी और साथ के साथ आपके पास एक पॉजिटिव एनर्जी भी रहेगी और आपके घर में हमेशा धन और खुशियां बरसते रहेंगी। मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार।